अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के अंदर पोस्टमार्टम को कंडक्ट करवाने का कानूनी तरीकेकार और क्या वो सूरत हाल होती है कि जिसके अंदर ज़ाब्ता फौजदारी के तहत एक रियासत की जिम्मेदारी होती है कि वो लाश और डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवाए। पोस्टमार्टम का जो कानून है पाकिस्तान के अंदर वो ज़ाब्ता फौजदारी मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 174 और 176 के अंदर मेंशन किया गया है। सेक्शन 174 के अंदर वो कुछ सरकमस्टांसेस बताए गए हैं कि जिसके अंदर एक पुलिस वाले की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अगर कोई अनरीजनेबल डेथ होती है उसके थाने की हदूद में तो वो फौरन मैजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करे उस डेथ के बारे में, उस मौत के बारे में, उस फौजी के बारे में। एक ऐसी मौत कि इस जिसके अंदर रीजनेबल सस्पिशंस है, जिसके अंदर रीजनेबल डाउट है, जिसके अंदर स्लाइटेस्ट ऑफ डाउट है कि ये चांस है कि शायद किसी किस्म का जुर्म पेश आया है या किसी किस्म की वारदात हुई है या कमीशन ऑफ ऑफेंस है, तो उसको फौरी तौर पे पुलिस ऑफिसर जो है इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन वो मैजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करता था ना, वो इलाका मैजिस्ट्रेट, और उसके बाद मैजिस्ट्रेट जो है उस डेथ की इंक्वायरी करवाता है। मैजिस्ट्रेट जब उस डेथ की इंक्वायरी करवाता है तो उस इंक्वायरी के दौरान मैजिस्ट्रेट के पास सेक्शन 176 सीआरपीसी के अंदर ये ताकत भी मौजूद है, सेक्शन 176 सब क्लॉज 2 के अंदर, कि मैजिस्ट्रेट उसकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के लिए अगर चाहे तो बॉडी को, जो डेड बॉडी है उसको डिसेंटर भी करवा सकता है। मतलब दो तरह के पोस्टमार्टम होते हैं, एक फौतगी हुई तो लाश को दफन करने से पहले भी पोस्टमार्टम होता है, एक फौतगी हुई तो लाश को अगर बिलफर जल्दबाजी में और अफरा तफरी के आलम में दफना दिया गया है तो उस सूरत हाल में डिसेंटर भी किया जाता है और कबर कुशाई करके भी उसका पोस्टमार्टम किया जाता है। वो इस तरह होता है कि लाश के फिक्सेटिव केमिकल्स दिए जाते हैं और जिस्म के नमूनों को हासिल करके एक मेडिकल बोर्ड तश्कील होता है दोनों सूरत हाल के अंदर, जो ये डिटरमाइन करता है कि डिसीज का कॉज ऑफ डेथ क्या था। अगर उस पोस्टमार्टम के अंदर किसी ऐसे शख्स की मौत या फौतगी हुई है कि जिसको किसी कमीशन ऑफ ऑफेंस या किसी जुर्म के तहत या किसी क्राइम के तहत मारा गया है, तो फिर उन सूरत हाल के अंदर जो मेडिकल बोर्ड है वो पोस्टमार्टम करके बताता है कि क्या वो वजूहत थी जिसकी वजह से उस शख्स की फौत हुई, और फिर अगर ये साबित हो जाता है कि कोई किसी किस्म का कमीशन ऑफ ऑफेंस था तो फिर उसकी एफआईआर भी रजिस्टर होती है और ज़ाब्ता फौजदारी के तहत पूरा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत एक क्रिमिनल ट्रायल उसका जो है वो होगा, जिसके अंदर फिर इन्वेस्टिगेशन होंगी और मजीद चीजें हकाइक जो है सामने आ सकती है। लेकिन एक चीज समझना सबसे जरूरी है वो ये कि एक ऐसी डेथ जिसके अंदर रीजनेबल सस्पिशन है, जिसके अंदर रीजनेबल डाउट्स है, उसके अंदर पोस्टमार्टम करना इसलिए एक वाइटल एलिमेंट होता है उस केस के अंदर, ताकि उस मौत का कॉज ऑफ डेथ असर्टेन हो सके, और कॉज ऑफ डेथ असर्टेन होने के बाद उस अगर ऐसी कोई वजह है कि सही में जिसमें कोई साजिश या अनासिर मौजूद है तो उसका पूरा प्रॉपर क्रिमिनल ट्रायल जो है वो रन हो सके, उसको कंडक्ट होना चाहिए और कंक्लूड होना चाहिए, जिसमें ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन मजीद जो भी शवाहद है और सबूत है वो सामने आने चाहिए। थैंक यू।